तो जन्माष्टमी के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ घी। वैसे मैंने बनाया था मक्खन, तो वो मक्खन मैंने कान्हा जी के लिए अलग से निकाल लिया, और जो बाकी का बचा है उससे मैं बना रही हूँ घी। तो ये घर का जो दूध हम लेते हैं उससे निकाली हुई मलाई है, तो उसका घी बन रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको मैं यहाँ अच्छे से पका रही हूँ ताकि जो भी इसका घी बनने का प्रोसेस है वो अच्छे से हो जाए। तो जितना अच्छे से पकेगा उतना अच्छा इसका घी बनेगा। तो उसको पका रही हूँ खूब और इसको चम्मच से हिला रही हूँ ताकि ये प्रॉपर बने। और यहाँ देखिए इसका प्रोसेस बनना हो गया स्टार्ट। तो अभी घी अलग हो जाएगा इसमें से, और जो उसका एक अलग पार्ट रहता है जो वेस्ट होता है वो अलग हो जाएगा। तो फिर लास्ट में जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको छान लेंगे। तो बस अब 2 से 4 मिनट के अंदर ही और अच्छे से बन जाएगा घी। तो हम लोग बना रहे थे तो काशू ने देखा, काशू बोली मुझे दिखाओ, तो उसको स्लिप में बैठाया और मम्मी आ गई। मम्मी बोलती मैं देखती हूँ कि कैसा बन रहा है, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही थी। तो मम्मी ने बोला बस ये बनने वाला है, तो मम्मी चेक करने आ गई। और काशू यहाँ बैठी है तो धूप पड़ रही है आँखों में। तो यार कान्हा जी को नहला के, उनका अभिषेक वगैरह करके, उनके कपड़े पहना के सब रेडी कर दिया है। तो वो फास्ट अभी किसी का नहीं है, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन है तो मम्मी फास्ट रखेगी नहीं, और मैंने भी नहीं रखा क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। और यहाँ काशी को हमने बना दिया काना, ये इसके पिछले साल के कपड़े, क्योंकि इस साल मुझे कपड़े देने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और मैं सोचा उसको राधा का गेटअप पहनाऊँगी इस बार, पर ये उसको खुद भी पसंद नहीं है और ना ही ये पहनती है, और बड़ी मुश्किल से कपड़े मैंने इसको पहनाए हैं। और यहाँ दादी सिखा रही है काशू को बांसुरी बजाना, काशू के लिए ध्यान से सुन रही है। यहाँ मैंने काशू के कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि वो थोड़े छोटे हो रहे थे, उसको अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए मैंने उसको एक कुर्ता पहना दिया येलो कलर का। और वहाँ भी पूजा चल रही है, तो बस पूजा तो करने देती है नहीं, बहुत ही शैतानी करती है मंदिर में जाके भी। तो यहाँ मैं कान्हा जी को भूख लगा देती हूँ। यहाँ मैंने खीर बनाई है, पूरी बनाई है, यह माखन जो फ्रेश बनाया था आज घी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, जानकी वल्लभम, राम कहता है भगवान आते।